और महाराष्ट्र में राज्यपाल के बयान पर विवाद बढ़ गया है। राजस्थानी गुजराती वाले बयान पर वो जो विवाद है वो बड़ा है। उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता का अपमान बताया है। आदित्य ठाकरे ने कोश्यारी के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के राजस्थानी गुजराती वाले बयान पर सियासी बवाल थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में तमाम विपक्ष कांग्रेस एनसीपी शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो इसे मराठी असीमता का अपमान बता दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ आज सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान कर दिया है। इससे पहले कल मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों में गवर्नर कोश्यारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। मुंबई में कल एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के विवादित बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। कोल्हापुर में भी यही तस्वीरें देखने को मिली। यहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुणे में भी एनसीपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखा। राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। विवाद के बाद राज्यपाल ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बता दें कि एक कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि मुंबई से अगर राजस्थानी और गुजराती चले जाएंगे तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं कहला पाएगी।